एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रही हूँ डव शैम्पू का, जो कि छोटा पाउच आता है, इसका छोटा पैक भी आता है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात है कि इसके शैम्पू के साथ ये कंडीशनर भी आ जाता है छोटे पाउच में। तो ये इन दोनों को मिलाकर 5 रुपीज़ लगते हैं, और 6 ml ये आता है शैम्पू और 6 ml कंडीशनर आता है। और तो आप 5 रुपीज़ में ला सकते हैं छोटे पैक में भी। अगर कोई बड़ा पैक नहीं लेकर आना चाहता तो ये छोटा पैक भी लेकर आ सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टेप 1, पहले शैम्पू किया जाता है फिर कंडीशनर। तो पहले शैम्पू कैसे करना है, वॉश योर हेयर थ्रोली, पहले अच्छी तरह से अपने बालों को धो लें। अप्लाई अ कॉइन साइज अमाउंट ऑफ शैम्पू ऑल ओवर योर हेयर, तो शैम्पू को आप बालों में अच्छे से लगा लें। एंड लेदर एंड रिंस आफ्टर अ कपल ऑफ मिनट, फिर 2 से 3 मिनट बाद आप पानी से धो लें सादे नॉर्मल पानी से। फिर स्टेप 2 मतलब कंडीशनर करना है, ये वाला कंडीशनर है ये, या क्या है ये शैम्पू है और ये है कंडीशनर। तो आफ्टर शैम्पूइंग टेक अ कॉइन साइज अमाउंट ऑफ कंडीशनर। तो जब आप शैम्पू कर लेते हैं तो थोड़े से गीले बाल होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको निकाल लेना है अपने बालों से, और उसके बाद इसे अप्लाई करना है इस कंडीशनर को। मसाज योर हेयर थ्रोली स्पेशली द टिप्स, और इस कंडीशनर को आपको सिर्फ बालों पर ही लगाना है, ना कि जड़ों पर लगाना है, ये आप ध्यान रखें। रिंस आउट कम्प्लीटली आफ्टर अ मिनट, 1 से 2 मिनट बाद आप साफ नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लें। तो इस तरह से ये यूज़ किया जाता है, शैम्पू पहले फिर कंडीशनर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।